आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक के पहले पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। शांत सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकनी, स्निग्ध माने चिकनी। ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चांदनी, ज्योत्सना माने चांदनी। उज्ज्वल, उज्ज्वल माने सफेद, उज्ज्वल माने सफेद। अपलक, अपलक का मतलब एकटक, जिसकी पलक ना गिरे, यानी कि एकटक, ठीक है। अनंत, अनंत यानी कि जिसका अंत न हो, इसका मतलब होता है आकाश, अनंत माने आकाश। नीरव माने शांत, जहाँ किसी तरह की आवाज़ ना हो, ठीक है। भूतल माने पृथ्वी, भूतल यानी धरातल यानी पृथ्वी, ठीक है। सैकत माने बालू, जिसको आप रेत भी कहते हैं, बालू। शया, शया माने सेज या बिस्तर, बिछौना, ठीक है, कोई भी एक लेके आप व्याख्या कर सकते हैं। पर मतलब ऊपर, पर या ऊपर। दुग्ध मतलब दूध के समान, दुग्ध माने दूध के समान। धवल, धवल माने सफ़ेद, धवल माने सफ़ेद। तनवंगी, देखिए तनवंगी का मतलब होता है पतली, छीर्ण। तो यहाँ पर देखिए गंगा के लिए तो पतली है, लेकिन गंगा का एक अर्थ यहाँ पे युवती से भी है, नायिका से भी है, तब तनवंगी का मतलब हो जाएगा छरहरे बदन वाली, पतले बदन वाली, पतली दुबली, ठीक है। तो दोनों का हम लोगों को प्रयोग करना है, व्याख्या के समय देख लिया जाएगा। ग्रीष्म माने गर्मी, कोई दिक्कत नहीं है। विरल, देखिए विरल का मतलब यहाँ पर गंगा में पानी कम होने से है, गंगा में जो पानी कम हो गया है गर्मी के कारण, उसके लिए यहाँ पर विरल शब्द आया है, ठीक है। लेटी है, साधारण शब्द है, ऐसे ही रहेगा। श्रांत माने थकी हुई, श्रांत माने थकी हुई। क्लांत माने मलिन, क्लांत माने मलिन, व्याकुल, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। निश्चल माने शांत, जिसमें कोई हलचल ना हो, शांत, ठीक है। तापस माने तपस्विनी, तापस माने तपस्विनी। बाला मतलब बालिका। गंगा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल, चाहे आप निर्मल कह लीजिए, ये भी सरल है, चाहे आप स्वच्छ कह सकते हैं, ठीक है। शशिमुख मतलब चंद्रमुख या चंद्रमा के समान, मुख से माने समान, तो चंद्रमा के समान, ठीक है, मुख। दीपित माने दीप्ति या प्रकाशित, दीपित माने दीप्ति या प्रकाशित। मृदु माने कोमल, मृदु माने कोमल। करतल माने हथेली, करतल माने हथेली, ठीक है। लहरें सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उर पर, देखिए उर माने होता है हृदय, ठीक है, तो उर पर मतलब हृदय पर या वक्षस्थल पर, वक्षस्थल पर, ठीक है। कोमल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंतल, कुंतल माने केश या बाल, केश या बाल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गोरे अंगों पर, यहाँ पर कोई भी शब्द कठिन नहीं है। सिहर, सिहर मतलब कांप कांप कर, यहाँ पे सिहर सिहर जो आया है इसका अर्थ है कांप कांप कर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही प्रकार का शब्द एक से अधिक बार आया है। लहराता मतलब लहरा रहा है, लहराता मतलब लहरा रहा है। तार तरल, देखिए तार तरल का मतलब है तारों से युक्त, तारों से युक्त। सुंदर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चंचल ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आंचल सा मतलब आंचल के समान, जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो उसमें आंचल होता है, तो आंचल के समान, ठीक है।
नीलांबर, देखिए नीलांबर के यहाँ पे दो मतलब हैं, नीलांबर मतलब नीला आकाश, नील अंबर नीला आकाश, और नीलांबर का मतलब है नीला आंचल या नीला वस्त्र। तो जैसा भी व्याख्या में होगा हम लोग वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। साड़ी की सरल है, साड़ी पहनती हैं तो साड़ी की। सिकुड़न, सिकुड़न माने सिलवट होता है, सिलवट का मतलब आपने देखा होगा कि जब महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो उसमें चुन्नट चुन्नट बनाती हैं, इस तरह से चुन्नट बना करके कमर में अपने मतलब खोंचती हैं, तो सिकुड़न मतलब वही सलवटे हैं, सिलवटे हैं, ठीक है। सी समान, सिलवटों के समान, जिस पर यानी कि वो जो आँचल है उसकी बात हो रही है कि आँचल पर, साड़ी का जो आँचल है उस पर, ठीक है। शश की मतलब चंद्रमा की, शश माने चंद्रमा होता है, तो शश की मतलब चंद्रमा की। रेशमी, देखिए रेशमी का मतलब यहाँ पर कोमल से है, जो रेशम होता है वो बहुत कोमल होता है, तो रेशमी का मतलब यहाँ पे कोमल से है, ठीक है। विभा का मतलब चमक से है, जो जो उसकी कोमल चमक है चांदनी, ठीक है, तो चमक, ठीक है। से भर, से भर मतलब से युक्त या पढ़ने पर, से युक्त या पढ़ने पर। सिमटी है, देखिए सिमटी का मतलब यहाँ पर है बल खाना, सिमटी, सिकुड़ी, सिमटी, बल खाती। वर्तुल मतलब गोलाकार या टेढ़ी, वर्तुल माने गोलाकार या टेढ़ी, ठीक है। मृदुल माने कोमल होता है, आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मृदुल माने कोमल। और लहर, लहर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लिए, अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। देखिए अब हिंदी के मैंने जो बोला है, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी के भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है, इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। तो आपको पता है कि पद्यांश में जो बातें कही गई होती हैं उसी का एक छोटा सा अंश हम लोग प्रसंग बना लेते हैं। तो प्रसंग क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी गंगा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए चांदनी रात में किए गए नौका विहार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, ठीक है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को दो बार सीखेंगे। एक बार हम लोग साधारण तरीके से जानेंगे कि इस पद्यांश में है क्या, मैं लाइन को पढ़ता जाऊंगा और आपको इसकी व्याख्या बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखने का प्रयास करेंगे, तो आप दोनों बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए जब आप इस पद्यांश के शीर्षक पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर लिखा है नौका विहार, और नौका विहार का मतलब होता है कि नाव पर सवार होकर घूमना, विहार करना, और आपको पता है कि नाव पर सवार होकर कहाँ घूमते हैं, किसी नदी में घूमते हैं, पानी वाली जगह में घूमते हैं। तो जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं आज वो गंगा नदी में नाव पर सवार होकर के घूमने के लिए निकले हैं। अभी वो गंगा के किनारे पहुँचे हैं, रात का समय है, आकाश में चंद्रमा निकला हुआ है और चारों तरफ पृथ्वी पर चारों तरफ सफ़ेद चांदनी फैली हुई है। ऐसे में गंगा जी और उसके आसपास का वातावरण कैसा दिखाई दे रहा है उसी का वर्णन इस पद्यांश में कवि पंत जी करते हैं। वो कहते क्या हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो निराला जी कहते हैं शांत
स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। वो कहते हैं कि चारों ओर शांत चिकनी श्वेत चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। आगे वो कहते हैं कि आकाश एकटक शांत और निस्तब्ध पृथ्वी को देख रहा है। आगे कहते हैं सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। आगे वो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पानी कम हो जाने के कारण बालुओं के मध्य धीरे धीरे पतली धारा के रूप में बहती हुई गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो मानो कोई छरहरे बदन वाली या पतले दुबले शरीर वाली। देखिए तनवंगी का एक मतलब यहाँ पर जब गंगा को वो नायिका मान लेते हैं उसका मानवीकरण कर देते हैं एक युवती बना देते हैं तब यहाँ पर हो जाता है कि पतले दुबले शरीर वाली या छरहरे बदन वाली युवती दूध के समान श्वेत बालू की शैया पर गर्मी के कारण थकी मलिन शांत लेटी हुई है। ठीक है चलिए आगे देखिए तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीप्त मृदु करतल। इस लाइन में कवि कहते हैं कि गंगा में चंद्रमा का बिंब पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा रूपी तपस्वनी बालिका निर्मल चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित अपने मुख को अपने कोमल हथेलियों पर रख करके लेटी हुई है और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं मानो उसके कोमल बाल या कोमल केश लहरा रहे हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। यहाँ पर ये तीनों लाइन आपको एक साथ लेनी है और शब्दों को आगे पीछे करके आपको व्याख्या बनानी है। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं। तो देखिए इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं सुंदर चंचल तारों से युक्त नीले आकाश की परछाई जब, आपको अपने से जोड़ना है, परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बालिका के, अब आ जाए लाइन पर, बालिका के गोरे अंगों को स्पर्श करके कांप कांप कर उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। ठीक है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यहाँ पर भी ये तीनों लाइन आपको एक साथ लेनी है और शब्दों को आगे पीछे करके व्याख्या बनानी है। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं। तो शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है, क्या लिखना है ध्यान से सुनिए, आकाश रूपी नीले आंचल पर जब, इतना अपने जोड़िए, आकाश रूपी नीले आंचल पर जब चंद्रमा की कोमल चांदनी पड़ती है तब टेढ़ी कोमल बल खाती हुई लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं, अपने जोड़ना है, ऐसी प्रतीत होती है मानो लेटने के कारण नायिका की साड़ी में सिलवटें पड़ गई हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके
शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि चारों ओर, अब आ जाइए पद्यांश पर, चारों ओर शांत चिकनी श्वेत चांदनी फैली हुई है, या आप कह सकते हैं छिटकी हुई है, जो आपको अच्छा लगे, फैली हुई है। आकाश एकटक शांत और निस्तब्ध पृथ्वी को देख रहा है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में पानी कम हो जाने के कारण बालुओं के मध्य पतली धारा के रूप में धीरे धीरे बहती हुई गंगा ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोई छरहरे बदन वाली, तनवंगी मतलब छरहरे बदन वाली या पतले दुबले शरीर वाली, जो आपको अच्छा लगे, छरहरे बदन वाली कोई युवती दूध के समान सफेद बालू की सेज के ऊपर गर्मी के कारण थकी मलिन शांत लेटी हुई है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, आ जाए लाइन पर, मानो गंगा रूपी तपस्विनी बालिका निर्मल और चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित अपने मुख को अपनी ही कोमल हथेलियों के ऊपर रख कर लेटी हुई है, अपने जोड़ना है, रख कर लेटी हुई है, और लहरें उसके वक्ष स्थल पर कोमल केशों की तरह लहराती हुई प्रतीत हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुंदर तारों से युक्त नीले आकाश की चंचल परछाई, अब आपको अपने जोड़ना है, चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बालिका के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श करके कांप कांप कर उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। आकाश रूपी नीले आंचल पर, इतना अपने जोड़िए, आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी कोमल बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण नायिका की साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम लोग रस की बात करें तो इस पद्यांश में शांत रस है, छंद इसमें स्वच्छंद छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास उपमा मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश शांग रूपक और सांग रूपक इतने अलंकार हैं, ठीक है। यदि शैली की बात की जाए तो इसकी शैली प्रतीकात्मक है, ठीक है, गुण इसमें माधुर्य है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और भाषा इस पद्यांश की संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानना है कि आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे,
लेकिन वो पांच प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन इतना है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आप ना लिख सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि प्रश्न पूछता कैसे है, तो आप भी पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, और नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास कैसे वातावरण का वर्णन किया है। तो बहुत ही सरल है, आपने देखा है, मैंने बताया है, आप उत्तर कैसे लिखेंगे देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने आसपास के वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब वही दो तीन लाइन में जो था देखिए, कि चारों ओर शांत, चिकनी और उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, आकाश एकटक पृथ्वी को देख रहा है, पृथ्वी अत्यधिक शांत और निस्तब्ध है, गंगा की पतली धारा बालू के बीच मंद मंद बह रही है। तो कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है यदि आप ध्यान से देख लें। चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गंगा बालू के बीच बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है। तो मैंने आपको बताया नहीं है, देखिए उत्तर डाल के लिखेंगे, गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई दुबले पतले, और आप कोष्ठक में छरहरे भी कर सकते हैं या छरहरे भी लिख सकते हैं, दुबले पतले छरहरे शरीर वाली सुंदर युवती गर्मी के कारण थकी मुरझाई शांत लेटी हुई हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलांबर, आपकी कविता में पद्यांश में शब्द आया है, नीलांबर का समास विग्रह करते हुए भेद बताइए। तो आप उत्तर डालेंगे और शब्द के नीचे जो ये शब्द आया है लिखेंगे, उसका समास विग्रह करेंगे। देखिए नीलांबर का समास विग्रह होगा, नीला है जो अंबर, ठीक है, इसके लिए आपको समास पढ़ना पड़ेगा, नीला है जो अंबर। जब इस तरह से आप समास विग्रह करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये कर्मधार है, समास है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लिखना है, आप शब्द लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे और कौन सा समास है उसका भेद बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपको संदर्भ में मिल जाता है, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पाठ का शीर्षक नौका विहार, आप काले रंग से लिख देंगे, नौका विहार हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, नौका विहार तथा इसके कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत है, इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में दोनों को लिखेंगे, ठीक है, इसका भी उत्तर हो गया। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, ठीक है, उसके बाद जो रेखा खींची गई है उसकी व्याख्या जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे कर देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर लाइन खींची गई है, कहाँ पर अंडरलाइन है। तो देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये पांच लाइन के नीचे रेखा खींची है और इसी की व्याख्या जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे लिख देंगे।